मैं जिस दिन होम मिनिस्टर बनूंगा ना, उस दिन आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साहब होम मिनिस्टर साहब को जो है कितने भैंसों में से कितने लीटर दूध निकलता है उनको अच्छा मालूम है, मेरे को कहां से मालूम है। अरे नहीं साहब, वो भैंसों का सवाल नहीं है, जनता का तो सवाल क्या है। करेंगे उन्होंने बेचारे, किसी की गाड़ी नहीं छुड़ा सकते तो उन्होंने क्या मोटर के कैसा रुकाएंगे शहर में। तो साहब होम मिनिस्टर क्या काम के फिर गाड़ी नहीं छुड़ा सक रहे हैं। तो एक सवाल ये भी आता, सदर साहब पे भी सवाल आता, हैदराबाद के एमपी, आप खुद बोले सदर थे साहब जो उंगलियां एमपी पुराने नहीं तो है, काम हो, पब्लिक तो एमपी ये है बोली नहीं ना साहब, सदर साहब तो कहते वो क्या कर रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं ना ट्वीट कर रहे हैं। आप बोले थे दो उंगली फिराए तो काम हो जाता, फिर ये चीज पे साहब उंगली नहीं फिरा रहे। आजकल एक ट्रेंड बन गया मर्डर का, रील्स बना रहे हैं, पहले हाँ धमकी भरे या फिर मार देंगे धमकी के जैसे। भाई वालेकुम सलाम भाई। जी खाजा भाई, ये बात ये थी खाजा भाई कि होम मिनिस्टर साहब को फोन करा था मैं, जी अच्छा फोन लिफ्ट नहीं करे, उनसे कुछ सवाल थे पूछने के। आप होम मिनिस्टर नहीं हो, मैं मेज से सवाल क्यों करे, आप ये पूछेंगे। हाँ तो मैं ये देखा, होम मिनिस्टर तो आप है नहीं, मेरे को भी मालूम है, मगर लोगों में देखा मैं काबिलियत किस में है, तो मेरे को आप नजर आए। थैंक यू आपसे यार, सवाल थैंक यू। सवाल जब मैं पूछूंगा तो आप हर सवाल का जवाब देते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो अब होम मिनिस्टर का सवाल मैं कैसा दूंगा। नहीं साहब, आप में काबिलियत है इसलिए तो आपको फोन कराना मैं। नहीं भाई वो होम मिनिस्टर साहब को जो है कितने भैंसों में से कितने लीटर दूध निकलता है उनको अच्छा मालूम है, मेरे को कहां से मालूम है। अरे नहीं साहब, वो भैंसों का सवाल नहीं है, जनता का सवाल है जनता का है तो जी। वो ठीक है। होम मिनिस्टर साहब के दूसरे सवाल मैं देखना चाहता। एक और दूसरी बात, जी साहब, होम मिनिस्टर साहब से मेरे पर्सनली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ओ साहब, अब ताल्लुकात पब्लिक की सेफ्टी के नहीं लिए आपको नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते ना भाई, जी उन्होंने मेरे लिए अगर गलत आदमी भी मेरा दोस्त है तो जी मैं दोस्त के लिए खड़ा होता हूँ, जी वो मेरा नेचर है। नहीं साहब, इसमें आपको खेलने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ सवाल जनता के है, जनता की सेफ्टी के है। ना को साहब विचारों से ताल्लुक हेलो। है, नहीं ज्यादा साहब, अपन आपका ब्रेडर ताल्लुका वाले हैं। खराब नहीं होता, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ, मगर जवाब आपको देना है उस हिसाब से वो डिपेंड करता। मैं कुछ बोला तो उनके दिल को तकलीफ होती नहीं भाई। साहब, उनके बारे में नहीं बोलना है, सवाल उनसे मैं फोन करा नहीं उठाए। अच्छा क्या है क्या सवाल ये तो बोलो सवाल ना। ये है साहब, जो आए दिन शहर में कत्लो गारतगिरी हो रही है, आपके हाओ हाओ घर के पास ही परसों हुआ, हाओ और ये 307 यहाँ पे किले में हुआ, तो ये रुक रहा नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है इसके जिम्मेदार शहर के पुलिस कमिश्नर है। साहब? नंबर वन पुलिस, नंबर वन सीएम है बोलते हैं, फिर भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये चूक कहाँ पे हो रही? पुलिस वाले इसकी सच्ची सी जो है सही से बंदोबस्त करना। देखिए होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, उन्होंने बेचारे किसी की गाड़ी नहीं छुड़ा सकते तो उन्होंने क्या मोटर के कैसा रुकाएंगे शहर में। तो साहब होम मिनिस्टर क्या काम के फिर गाड़ी नहीं छुड़ा सक रहे हैं, तो पब्लिक नहीं भाई अब की सेफ्टी उन्होंने अब का है क्या देखो देखो अब मगर एक फिर भी क्या है बोले तो अल्लाह का एहसान है कि जी? एक मुसलमान होम मिनिस्टर बना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वो चीज का गर्व करते वो साहब चीज के लिए तो अपने को सराहना है। अब वो जी। अपना आदमी कमजोर है, अपना आदमी जो है पावरलेस है, वो अपने आदमी को जो है उनके हुक्मराना डम्मी करके रखे, वो एक प्रॉब्लम उनका उनका आपसी है मसला है। जी लेकिन एक मुसलमान को जो है पहले डिप्टी सीएम बनाए फिर होम मिनिस्टर बनाए, जी एक अपना आदमी गिरते पड़ते वहां तक पहुंचा, जी अब अपन उसको कुछ बोल देंगे ना अच्छा नहीं लगता। मगर साहब, खुद की मुफाद के लिए दूसरों को झोंकना अच्छी बात है क्या? नहीं है आपकी बात भी सच है, उनको जिम्मेदारी समझना चाहिए। लेकिन अब जो है वो बेचारे क्या करेंगे यार, कोसा इलेक्शन लड़के जीते सोए भाई हो साहब, होम मिनिस्टर बोले तो स्टेट की सिक्योरिटी उनके अंडर में आती ना, उन्होंने भाई। जिनका उनको आदेश नहीं देंगे वैसा काम होगा। उनको क्या अपन वोटा दे के एमएलए बनाए सो है, उन्होंने उनकी पार्टी के तुफेल उन्हें होम मिनिस्टर है, पब्लिक के तुफेल थोड़ा ही है। जी, एक ये दूसरा सवाल ये है साहब, आजकल एक ट्रेंड बन गया मर्डर का, रील्स बना रहे हैं, पहले हाँ धमकी भरे या फिर मार देंगे धमकी के जैसा भी है, एक गया तीन चार जो भी है बोल के ऐसा रील्स बना रहे। तो देखिए सीसीएस क्या कर रहे साहब, वो लोग थोड़े ये देख अपनी पुलिस की और इंटेलिजेंस की और एसबी की नाकामयाबी है, उनकी जी। नाकारी है जिसकी वजह से जो है ये शहर में मर्डर्स हो रहे हैं मगर साहब पुलिस कहां तक करेंगे, कानून भी बनाना भाई। होना साहब। वो मकबरों को फिर कई को लगा ले रहे, मकबरा किस काम के है फिर। नहीं साहब, वो सोशल मकबरों मीडिया का के काम है ऊपर ना मकबरी करना, इंटेलिजेंस का काम है कि शहर में होने वाले कामों को रोकना। आपके घर के पास ही हुआ साहब, आपकी गली छोड़ के दूसरी गली में मर्डर हुआ मालूम है मेरे को, वो बच्चे के मर्डर की बात कर रहे हैं और वो तीसरा मर्डर है, वो जी। सीरियल वाइज चल रहा है वो। हाँ तो साहब, एक और एक एक सवाल ये भी आता, सदर साहब पे भी सवाल आता, हैदराबाद के एमपी, आप खुद बोले सदर थे साहब दो उंगलियां देखिए पुराने तो सुनिए, काम हो जाता। सदर साहब पावर में नहीं है,
सदर साहब हुकूमत के जो है कोई मिनिस्टर नहीं है, हम हुकूमत की तायीद करते यकीनन, लेकिन आप बोलिए अब सदर साहब किसकी तायीद करेंगे, उनकी करना पड़ता। तो सदर साहब तो एमपी है ना साहब, ये पब्लिक जो है अरे उनके आप अंदर एमपी नहीं के आती पवर को भी तो समझो ना भाई, ना। पब्लिक तो एमपी ये है तो वो बोलूंगी ना साहब, सदर साहब तो रहते क्या अरे कर रहे ना, बयान दे रहे ना, ट्वीट कर रहे। आप बोले थे दो उंगली फिराए तो काम हो जाता, फिर ये चीज में साफ उंगली नहीं फिरा रहे नहीं फिराएंगे उंगली, उन्हें फिराने का टाइम पे। जी। अब वो क्या है, जिस वक्त उनको उंगली फिराना रहता ना, उन्हें बहुत बुरा फिरा देते हैं। जी अब ऐसा वक्त ऐसा है कि अब जो है भाई देखो, असदुद्दीन अवैसी साहब को आप ये अपनी सोच है कि अपन बहुत उनको जो है यानी हम उनको हर चीज समझते हैं, जी ऐसा नहीं है भाई, उनके भी कुछ लिमिटेशन है, उन्हें भी कुछ मतलब दायरे में रह के करना पड़ता। हर चीज में कोई भी हो, हैदराबाद का हो, ओल्ड सिटी का हो, इंडिया ऑल ओवर इंडिया हो, असद साहब बोल के सब उनके आंख पे गिरते। असद साहब क्या कर रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतना चोरी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हर हाँ चीज भाई, हो अब रही। शहर में सुबह से बारिश हो रही है, असद साहब क्या कर रहे हैं, छात्री लेकर है जाना था हैदराबाद के ऊपर बोलते। अब वो बातें बेकार के बातें हैं वो, जी अब उसके अपन क्या जवाब देंगे। और वो नहीं है ऐसा, वो पुलिस का काम है, वो हुकूमत का काम है, वो लोग देखना, वो लोग करना। नहीं साहब, आप लोग का भी जिम्मेदारी बनती ना, आप लोग भी आवाज उठाना। अपोजिशन में आप है, टीआरएस की बिल्कुल अपोजिशन में हम बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल उठाते ना भाई, कई गुना उठाते। परसों जो है असद साहब क्या पेट्रोल पंप के खिलाफ में दारुसलाम के मिलाद के जलसे से नहीं बोले, बोले साहब, फिर उन्हें उठाते आवाज, जहां बराबर आवाज उठाना है उठाते उन्हें। नहीं मगर गवर्नमेंट ने सुनी ना साहब। गवर्नमेंट सुनती, गवर्नमेंट नहीं सुनती नहीं, अगर गवर्नमेंट इनकी नहीं सुनी तो किसकी सुनती, गवर्नमेंट जी यकीनन सुनती। इंशाल्लाह हम जी भी बोलेंगे सदर साहब को कि इसके बारे में बोलो, और उनको मालूम है, उन्होंने वक्त के हिसाब से बराबर आवाज उठाते, और अगर वक्त आया तो हम भी साहब को जो है रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी साहब, जी साहब, थैंक यू साहब। ओके ये सवाल आपसे पूछना था, होम मिनिस्टर को जवाब नहीं देना, फोन उठाए, वही हाँ, काबिल इंसान आप दिखे साहब, इसलिए आपको फोन करा। ऐसा कोई पर्सनल इशू नहीं है मेरा। नहीं, वो होम मिनिस्टर बेचारा गिरते पड़ते हैं, पब्लिक की तुफेल नहीं है, उन्हें जो भी है केसीआर साहब की तुफेल में उन्हें होम मिनिस्टर बने सो है, उनको कौन सा आप नोटा देगा उनको जो है होम मिनिस्टर बनाए सो है, उनको वैसा नहीं है वो बेचारे। अब आप कितना भी बोल लो उन्हों केसीआर साहब को छोड़ते इतने, उन्होंने आप कुछ भी बोल लो उन्होंने नंबर वन ही बोलना पड़ता है उनको, कहीं को बोल तो उन्हें तो होम मिनिस्टर बनाया ना इनको, अच्छा, जरा असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद की आवाम बनाई ना, बेशक वो तो वोट लड़के आवाम का जीते नुमाइंदा है वो, लड़के। पार्टी का नुमाइंदा है ना भाई, तो उनसे अपन क्या सवाल करेंगे, पावरलेस मैन है वो, जी साहब, मगर दूसरों के जो वो बैटरी यूजलेस चार्ज कॉल्स ही नहीं रहते है। वो अब उठाते, उन लोग जो से बैटरी बातचीत चार्ज ही करते। नहीं है, आप उससे बल्ब लगाऊंगा बोले तो कहां से बल्ब जलेगा बोलो आप। वो तो है साहब अब ये चार्ज बैटरी यहाँ है मजलिस जी, कियादत मुस्लिमीन के पास, अल्हम्दुलिल्लाह साहब। जब वक्त आया इंशाल्लाह ताला बन भी जो है बराबर बोलेंगे। और सदर साहब को इतला थे, इस बात की इल्म है उनको कि नहीं शहर के साहब, अंदर जो है पुलिस सर क्राइम जी में इजाफा हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सदर साहब पे नहीं आती। हाँ, तो साहब वो तो रूलिंग पार्टी की आती ना, पुलिस हाँ रूलिंग भी पार्टी कहाँ की तक आती है, करेंगी साहब, पुलिस तो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह रूलिंग एक्शन में साहब। रूलिंग पार्टी का भी देखिए इसका भी तौर तरीका क्या है कि रूलिंग पार्टी की भी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं रहती, पुलिस की काम है, आप पुलिस वाले करते। जहां तक मैं सीवी आनंद साहब को जानता हूँ ना, जी सीवी आनंद साहब बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और बहुत अच्छा ऑफिसर है, वो ऑफिसर ऐसा है कि किसी के प्रेशर में आके वो ऑफिसर कुछ एक्शन नहीं लेता, जी वो साहब, मगर ऑफिसर जो है मैं उनको कब से जानता मालूम, उन्हें एडिशनल कमिश्नर फॉर ट्रैफिक थे टू जी थाउजेंड एट सेवन में, जी मैं तब से उनको जानता हूँ, जी बेशक एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक बोल रहा हूँ मैं आपको, जी, तब से मैं उनको जानता हूँ और उनसे मैं जब से मुलाकात है मेरी उनसे, तो उन्हें बहुत अच्छा ऑफिसर है वो, सीवी आनंद साहब पे भरोसा रखो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह चाह ना मगर वो साहब शहर के अंदर पब्लिक अच्छा किसके काम ऊपर भरोसा करेगा। करेंगे, यहाँ जानों से चले आ रहे। इस्लाम में, कुरान में फरमा दिया गया है, एक इंसान को दूसरे इंसान को ना हक तकलीफ मत दो, मगर यहाँ पे तो जान से मार दे रहे हैं। साहब नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप बराबर जो है एक्शन लेंगे, एक्शन और लेने से क्या होता है साहब, कानून बनाना पड़ता। पुलिस का किसी के दिल में जाके देखेंगे इन्हें मर्डर करने वाला है या नहीं, और जितने मर्डर्स पुलिस होंगे अपना खौफ ऐसे बिठाना चाहिए कि आदमी हाथ में हथियार उठाने के लिए डरना, बेशक साहब, यही बात है, पुलिस का ये खौफ खत्म हो पुलिस गया, का फ्रेंडली काम पुलिस बोल है। गई और शहर हैदराबाद का जो है जो मिजाज है ना भाई, जी ये अपने पास बच्चे क्या है, घूरे तो चाकू वाले की वीडियो बना रहे, सब बच्चे है ये। जी अब ये मिजाज पुराना मिजाज है जी और एक दिन में तब्दील होने वाला मिजाज नहीं है ये, बेशक वो तो है सर तो उसको मिजाज को चेंज करना बोले तो थोड़ा टाइम लगता उसको, जी सर लेकिन उम्मीद है अपने को कि अपना अपना जो सीपी हैदराबाद है जी इंशाल्लाह उन्हें अच्छी तरीके से करेंगे, और हम इंशाल्लाह मेरी भी जब सदर साहब से मुलाकात होंगी एक बार बोलूंगा और इंशाल्लाह। साहब, ये आखिरी बात, आप सीपी साहब की बात करें, यहाँ पे चोरी हुई थी 1 अगस्त 1 अक्टूबर को भी, अभी तक उन लोग के विजुअल्स है, फोटोज है, सीसीटीवी में कैप्चर हुए, उन लोगों को अभी तक पकड़े नहीं। नंबर वन नहीं पुलिस मालूम है साहब, भाई, हम मानते, मगर ये चीजा कई ऐसा हो रहे।
मैं जिस दिन होम मिनिस्टर बनूंगा ना, उस दिन आपको शिकायत का मौका नहीं आप दूंगा। सवाल करने का भी मौका नहीं मिलता अगर आप होम मिनिस्टर बन गए तो। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन मैं होम मिनिस्टर बनूंगा जी उस दिन मैं ये सब आपकी शिकायतें दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके साहब, शुक्रिया, आपका टाइम वाह खराब करा था, माफी वाह चाहता हूँ। सलाम वालेकुम।